तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इस लार्वा की खासियत क्या होती है, कैसा होता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है सन 2000, 2016 में, 2009 में, 2012 में, 2013 में। क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रोकोफोर लार्वा, यानी ट्रोकोफोर लार्वा पर एक छोटा सा नोट हमको लिखना है। या कह रहा है कि ड्रा वेल लेवलेट डायग्राम ऑफ टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा, एंड ट्रोकोफोर लार्वा का या तो आप डायग्राम बना दीजिए या तो उसके बारे में कुछ छोटा सा नोट्स लिखिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बीएससी में जो पेपर होता है तो इसमें अगर आप सिर्फ फिगर याद कर लेते हैं, सिर्फ अगर आप थ्योरी याद नहीं कर पाते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और अगर थ्योरी लिख लेते हैं तो और अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा की करेक्टर के बारे में बता रहा है कि लिखा है कि इट इज अ माइन्यूट अन डिवाइडेड बायलेटरली सिमेट्रिकल सिलिएटेड पिलेजिक फॉर्म ऑफ एनिलिड, एनिलिड्स हैविंग द हेड एंड ब्रॉडर देन द एनल एंड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है, लेकिन इट इज माइन्यूट। ट्रोकोफोर लार्वा कैसा होता है? माइन्यूट होता है, छोटा होता है, अनडिवाइडेड अविभाज्य होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, और जिसका जो सिमेट्रिकल होता है, बायलेटरल होता है, यानी दो दाएं व बाएं भाग में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि सिलिएटेड पिलेजिक फार्म, और इस पर सिलिया पाई जाती है। पिलेजिक फार्म होता है यानी समुद्री में रहने वाला जीव होता है। ठीक है, पिलेजिक फार्म ऑफ एनिलिड, यानी यह ऐसा एनिलिड है जो छोटा होता है, अनडिवाइडेड होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, यानी दो दाएं और बाएं भाग में बढ़ जाता है। इस पर सिलिया भी पाई जाती है और समुद्री एनिलिड होता है, हैविंग द हेड एंड ब्रॉडर देन एनल एंड। ठीक है, इसका जो हेड एंड होता है, इसके जो एनल एंड होता है, जो इसका टेल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब यह बोल सकते हैं कि जो इसका एनस वाला पोर्शन होता है, उसका जो हेड पोर्शन होता है, तो हेड पोर्शन एनस वाला पोर्शन से ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। राइट, आगे लिखा है कि द हेड रीजन बियर अ टफ्ट ऑफ सेंसरी सिलिया, जो हेड रीजन होता है, जो उसका सिर वाला क्षेत्र होता है, जो सिर वाला भाग होता है, उस पर सेंसरी सिलिया पाई जाती है। सिलिया का जो गुच्छा पाया जाता है, टफ्ट पाया जाता है, यानी गुच्छा पाया जाता है। ए पेयर ऑफ पिगमेंटेड आई, और इसमें एक जोड़ा आई पाया जाता है, आंखें पाई जाती हैं। वो आंखें कैसे होती है? पिगमेंटेड होता है, कलर्ड, यानी रंगीन होती हैं। एंड द सेरिब्रल गैंग्लियन, और उसी हेड में क्या होता है? सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, यानी इसका नर्वस सिस्टम होता है, इसमें सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है। ठीक है, लिखा है कि द माउथ इज प्रजेंट ऑन द वेंट्रिकल साइड, जो इसका माउथ होता है, वेंट्रिकल साइड होता है, मतलब जो पीठ वाला हिस्सा होता है वह डार्सल हो गया, और जो पेट वाला हिस्सा हो गया वह वेंट्रिकल हो गया। जो ट्रोकोफोर लार्वा का जो माउथ होता है वह वेंट्रिकल साइड होता है, यानी पेट वाला हिस्सा की तरफ होता है। एंड लीड्स टू शॉर्ट इसोफेगस, और छोटा सा इसोफेगस में वो चला जाता है, छोटा सा इसोफेगस में वो जाकर खुल जाता है। ठीक है, फिर लिखा है कि द प्रोटो नेफ्रिडिया कॉन्स्टिट्यूट द स्केटरी ऑर्गन ऑफ ट्रोकोफोर, जो इसमें प्रोटो नेफ्रिडिया होता है, ठीक ना, एक तो नेफ्रिडिया होता है, ठीक है, स्केटरी ऑर्गन जो होता है, और इसमें जो इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटो नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो प्रोटो नेफ्रिडिया कॉन्स्टिट्यूट द स्केटरी ऑर्गन ऑफ ट्रोकोफोर, यानी ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर अगर हमसे कोई पूछता है कि स्केटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, वो तो सर्जी अंग क्या पाया जाता है, हम बोलेंगे कि प्रोटो नेफ्रिडिया पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली सामान्यतः द टू सर्कुलेट्स ऑफ सिलिया सराउंड द बॉडी, इसमें दो ठे सिलिया होती हैं जो सर्कुलर होती है, पूरी वो बॉडी को क्या करती है? सराउंड करती है, घेरती है। एंड हेल्प द लार्वा इन स्विमिंग, और लार्वा को स्विमिंग करने में मदद करती है, यानी तैरने में मदद करती हैं। एंड इट एंड इन फीडिंग प्रोसेस, और उसका फीड करने में, यानी भोजन करने में मदद करती है। बिटवीन द इक्टोडर्म, ठीक है, बिटवीन द इक्टोडर्म एंड द गट इज स्पेसियस कैविटी नोन एज ब्लास्टोसील, यानी कहने का मतलब बिटवीन द इक्टोडर्म, इक्टोडर्म और गट के बीच में एक स्पेशल कैविटी होता है, एक मतलब विशेष प्रकार की कैविटी होती है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। देयर इज एन
ऑटोसाइट नियर द नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया के पास एक ऑटोसाइट्स पाया जाता है। द फ्री स्विमिंग लार्वा फीड्स ऑन प्लांकटन। ठीक है, कह रहा है कि जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है, और प्लांकटन पर डिपेंड होता है, प्लांकटन पर अपना भोजन करता है, एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और अन्य दूसरे छोटे छोटे जीव को भी खाता है, एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फॉर्म। और वही जो लार्वा होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद एडल्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, यानी लार्वा कंडीशन से बढ़कर एडल्ट कंडीशन में जो जाने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फॉर्म और उसका लार्वा से एडल्ट फॉर्म में चेंजेस हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह हमारा स्ट्रक्चर है इसका, टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा का। इसमें दिया कि एनस होता है, एनल होता है, वेसाइकल होता है, नेफ्रिडियम होता है, मीजोडर्म होता है। ठीक है, यह हमारा लार्वा, यह लार्वल होता है, ऑटोसाइट होता है। ठीक है, ये हमारा आई होता है, एपिकल आर्गन होता है, एपिकल होता है, गैंग्लियन होता है, यह वाला गैंग्लियन है। ठीक है, यह वाला स्टमक वाला पोर्शन हो गया, यह हो गया प्रोटो टॉर्क हो गया, यह ब्लास्टोसील हो गया, ब्लास्टोसील कैविटी इसका हो गया। ठीक है, मेसेनकाइमी हो गया और इसका आई हो गया। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना।